हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष ऑटो डायरीज में। दोस्तों, आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे हम और अनबॉक्सिंग करेंगे। तो प्रोडक्ट कार के लिए बहुत यूज़फुल है। जो लोग ड्राइविंग वीडियोस बनाते हैं या कार व्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे हम। ये देखिए आप, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है और कुछ इस प्रकार से आता है। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये मुझे डिलीवर हुआ है और इसका नाम है ELV कार माउंट मोबाइल होल्डर। तो हम अपनी कार में विंडशील्ड पे, डैशबोर्ड पे इसे लगा सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकेजिंग है, ये एक बॉक्स है इसका। इसके अंदर मिलते हैं हमें कुछ पेपर। देखिए, पेपर के अंदर दिखाया हुआ है किस तरीके से इसे लगाना है। इसे रखते हैं मतलब। दोस्तों, दो पार्ट में आता है ये। ये दो पार्ट में आता है, एक ये रहा और एक ये रहा। पहली बार में देखने में क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। ELV कंपनी का है और ये इसके ऊपर एक सक्शन पर वैक्यूम मुझे रखा है, जिससे ये हमारा डैशबोर्ड पर या विंडशील्ड पर हमारा ये लग जाएगा इजीली। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमें असेंबल करना है। सबसे पहले हम इसे खोलेंगे और इस पार्ट को हमें देखिए दोस्तों इस तरीके से लगाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये जो है इसका इसे डाल लेना है इसमें और इस तरीके से लगा के फिर इसे हमें टाइट कर देना है। ये हमारा कार मोबाइल होल्डर इस तरीके से ये तैयार हो गया। इसे हम 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं, इस तरीके से 360 डिग्री पे घूम जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम चाहें तो इसे हम यहाँ से लूज करके इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। ये लेंथ बढ़ जाती है इसकी इस तरीके से। ये इसका ये वाला जो पोर्शन है इसका दिखाता हूँ मैं आपको, इसका ये दिख रहा है ना आपको। आप इसे दोस्तों टाइट कर सकते हैं जहाँ भी आपको इसे रोकना है। जैसे अभी हमें सोचो हमें ऐसा रोकना ही है ऐसे, तो हम इसे यही टाइट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं। अब ये हिलेगा नहीं, देखो ठीक है दोस्तों। ये इसके ऊपर सक्शन जो दे रखा है, इस पर एक ये फिल्म दे रखी है हमें, इसे हम हटाएंगे तो ये स्टिकी है काफ़ी। इस पर हम पहले थोड़ा वाटर डालेंगे, उसके बाद हम इसे अपने डैशबोर्ड पर लगा देंगे। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, अमेज़ोन से आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ये मुझे वैसे इसकी प्राइसिंग 379 है, लेकिन ये डिलीवरी चार्ज लगा के 429 का मुझे पड़ा है। तो ये दोस्तों, आपको दिखाता हूँ इसे किस तरीके से लगाते हैं हम। जैसा कि आप सबसे पहले इसकी ये फिल्म उतारेंगे ऊपर से, तो आप देख सकते हैं काफ़ी थोड़ा स्टिकी है। तो इसे किस तरीके से लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसे ऊपर करेंगे। तो ये देखिए आप, जैसे मैंने इसे ऊपर किया, जैसे हम इसे ऊपर करते हैं तो ये गैप हो जाता है और हम ऐसा करते हैं तो ये टाइट हो जाता है। ये देखिए, तो हम इसे ऊपर करेंगे पहले, फिर आप इसे देख सकते हैं ये देखो इस तरीके से लगा के, और हम इसे ऐसे देखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं टाइट हो गया, काफ़ी टाइट हो गया है, इस तरीके से ही लगेगा। तो फिर दोबारा हमें इसे हटाना है, तो हम इसे सिंपली ऐसे करके हटा सकते हैं। ये हट गया,
दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली है इस डिवाइस की, अब इसे हम अपने कार के अंदर लगा के दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम इसे किस किस जगह लगा सकते हैं और किस तरीके से ये काम करता है कैसे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हम इसे अपनी कार के अंदर किस तरीके से इसे हम लगा सकते हैं अपने ELV कार मोबाइल होल्डर को। सबसे पहले आपको वही इसकी ये हटानी है फिल्म, फिर जहाँ आपको लगाना है डैशबोर्ड पे लगाना है या विंडशील्ड पे लगाना है उसे आप साफ़ कर लेंगे किसी कपड़े से, ठीक। फिर इसे सिंपली आप इस तरीके से रख देंगे, या आप ये देखिए यहाँ ज़्यादा सही दिखेगा, इस तरीके से आप इसे रख देंगे और इसे आप बंद कर देंगे, ये हो गया बंद। तो ये आपका कार मोबाइल होल्डर जो लग चुका है, इसे आप इस तरीके से टाइट कर सकते हैं जहाँ आपको इसे टाइट करना है। ये देखिए इस तरीके से लग गया है, ठीक। फिर आप इसे ये इसके जो हैं इसे विंग्स को दबाएंगे तो ये मोबाइल लगने की जगह हो गई है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो इसका नीचे का हिस्सा है ये नीचे वाला हिस्सा है मोबाइल का, नीचे का हिस्सा यहाँ आएगा और आपको सिंपली बस ये मोबाइल यहाँ रख दीजिए, ये ऑटोमेटिकली इसे बंद कर लेगा, क्लोज हो जाएगा। ये मोबाइल लग चुका है, आप इसे 360 डिग्री पे कहीं भी मूव कर सकते हैं इसे कहीं भी, ठीक है। इस तरीके से इधर का भी आपको वीडियो मैप देखने हैं, रोड मैप वगैरह। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।